ओके हार्दिक, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज हार्दिक, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। आई पास 10th स्टैंडर्ड इन 2013 फ्रॉम कैलाश विद्यालय फ्रॉम अहमदाबाद। आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2016 फ्रॉम अहमदाबाद। माय लास्ट ईयर प्रोजेक्ट इज स्मॉल स्टार्टअप थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड आई वाज अ ग्रुप लीडर इन दिस प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट टू मी। ओके हार्दिक, सो यू आर फ्रॉम अहमदाबाद राइट? यस मैम। ओके and you have passed your graduation in which year? 2016 diploma in electrical engineering. Okay, and after that what were you doing? uske baad aap kya kar rahe the? Mam, family problem ki wajah se mera private sector mein job karna zaruri ho gaya tha, to maine ek saal ke liye maine private sector mein ghar ke paas maine job factory mein job kiya hai garments mein. uske baad maine railway ki preparation start ki, उसमें सर्टन स्टेजेस मैंने क्लियर किया लेकिन फाइनल स्टेज मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद पीएससी ओएनजीसी का भी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी उसके भी सर्टन स्टेजेस क्लियर किए लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ था। उसके बाद मेरा नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन और अभी मैं आईपीआर के कोरोना के बाद से ही मैं फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी भी मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ यानी फाइनल स्टेज तक मैं जा रहा हूँ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा मैम। ओके ठीक है, तो प्रशांत जैसे आपने मुझे सॉरी हार्दिक आपने मुझे बताया कि आप फैमिली इश्यूज की वजह से आपको प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना पड़ा था, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया एंड देन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो मतलब ऐसा क्यों, आपने वो प्राइवेट जॉब को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बिकॉज सर वो नॉन इलेक्ट्रिकल था, वो मेरी कोर ब्रांच से मेरा रिलेटेड नहीं था और मेरा ग्रोथ भी वहाँ पे नहीं था। वो जस्ट लाइक घर के पास था नियर बाय और मम्मा के एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, तो घर के पास मेरा रहना जरूरी था तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया फिर। ओके ठीक है, तो अगर वो कोर ब्रांच का नहीं था तो देयर माइट बी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और कोई और चीजें तो होंगी जहां पर आपको कोर ब्रांच मिल सकता था या कोई और ऐसी प्राइवेट जॉब होगी, आपने उसमें ट्राई किया? नहीं मैम, इसमें मुझे इंस्टेंट वही मिल रहा था तो फिर मैंने वही ट्राई किया। ओके नहीं, आफ्टर वन ईयर जब आपने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करने लगे, तो मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का ये है कि आप गवर्नमेंट के लिए ही क्यों प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम दिस लॉन्ग टाइम, आपने प्राइवेट में क्यों नहीं ट्राई किया? उसका एक फैमिली रीजन है, मेरे फैमिली में कभी किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के ही लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए बिकॉज अंदर से गट्स फीलिंग है कि नहीं करनी तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है इसलिए। ओके ठीक है, हार्दिक आप मुझे बताएंगे, आप जैसे अहमदाबाद से हैं तो आपके अहमदाबाद में क्या चीज फेमस है? अहमदाबाद में खाने पीने की चीज ज्यादा फेमस है और अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में प्लेस में भी नाम आ गया है, यूनेस्को ने भी नाम रजिस्टर किया है और उसके लिए जहाँ पे जो पोल है जहाँ पे रहने के लिए वो बहुत ही ओल्ड सिटीज में गिना हुआ जाता है। उसके रहने का जो मकान है वो लकड़े का है, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उनको, और सीधी सैयद की चाली है जो अभी फेमस है, फिर कांकरिया तालाब है वो भी फेमस है, रिवर फ्रंट भी फेमस है, अभी जस्ट रिसेंटली अटल बिहारी ब्रिज तैयार हुआ है साबरमती रिवर पे, वो भी एक फेमस है। ओके ठीक है, तो अगर मैं एज एन आउटसाइडर आपके अहमदाबाद में आती हूँ तो आप मुझे क्या गाइड करोगे, कोई तीन चीजें कि मुझे वहां पर तो जाना ही चाहिए? एक रिवर फ्रंट, दूसरा काकरिया तड़ाव और तीसरा सीधी सैयद की जाली, वहां पे आपको जाना ही चाहिए। वहां पर मुझे जाना ही चाहिए, ठीक है। ओके, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, लाइक आपके पापा क्या करते हैं? पापा मिल में जाते हैं, जो मिल में जाते हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं और मम्मी भी अभी गारमेंट्स में जाती है, वो भी ऑन ड्यूटी कर यानी वो भी गारमेंट्स में जाते हैं। दीदी पढ़ाई कर रही है, एमए कर रही है इकोनॉमिक्स में और मेरा एक छोटा भाई है वो 12th स्टैंडर्ड में आर्ट्स कर रहा है और मैं बड़ा हूँ घर में सबसे। ओके सो यू बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग? यस मैम। ओके ठीक है, ओके हार्दिक टेल मी वन थिंग कि जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए है, मान लीजिए कि आपको हमारे साथ जॉब ऑफर हो जाती है, ठीक है, बट समहाउ यू गेट एनी अदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर से, सो व्हाट विल यू डू? पहले तो मैं यही ट्राई करूंगा और मुझे यही करनी है बिकॉज ये आप
ये ITR जो बॉडी है वो अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ी हुई है, तो इससे मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि अभी मिल सकती है, और मुझे यही ट्राई करना चाहिए। मान लो कि आपको इससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई इससे भी बेस्ट बॉडी मिल रही है जहां पर आप काम कर सकते हैं, जहां पर आपको शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा लर्निंग मिले, देन व्हाट विल यू चूज? नॉर्मल ह्यूमन यही करता कि मैं बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी में जाएगा, लेकिन मुझे यही करनी है बिकॉज ये इंडिया जो है एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है जो ITR है वो टोकोमेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लर्निंग है, मैंने जो अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है, वो मेरा जो भी नॉलेज है वो मुझे यहाँ पे यूटिलाइज होएगा, और मेरा जो डेली रूटीन लाइफ है वो मेरा एंगेज रखेगा। और टोकोमेक इट इज वन टाइप ऑफ स्पेशल रिएक्टर है जो नियर बाय फ्यूचर फ्यूचर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो वर्क कर रहा है उसकी डिमांड आने वाली है, तो मुझे यही बेटर बेस्ट प्लेटफॉर्म लग रहा है कि मुझे इसी के साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं कि हमें आपको लेना चाहिए? तो डिसिप्लिन है मेरे में और पैशंस मैं रखता हूँ मेरा, यानी कोई कोई भी सिचुएशन हो मैं हैंडल कर सकता हूँ, और डिसीजन मेकर हूँ मैं। डिसिप्लिन है आप में, पैशन है और आप डिसीजन मेकर हैं, तो आपको लगता है कि जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो उस पोजीशन पे आपकी ये तीनों क्वालिटीज काम आएंगी? यस मैम, आपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हुई हैं जॉब रोल के यस बारे मैम, में? यस मैम। तो कैसे लगता है आपको कि आपकी ये तीनों क्वालिटीज जो हैं इस जॉब के लिए सही रहने वाली? ITR अभी रिसेंटली 3 प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। फर्स्ट वन इज आदित्य, सेकंड वन इज SST1, और अभी स्मॉल स्केल पे ही वर्क कर रहा है, जस्ट रिसेंटली 2025 में कंप्लीट होने वाला है। ये वन टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्टर है, ये काफी लंबे टाइमों से 1989 से अभी वर्क कर रहा है, पूरे ग्लोबली वर्क हो रहा है, और अभी तक इसको सक्सेस मिला नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोज मेरे में जो पैशन है, जो मैं उसमें से बेटर वे में उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और यानी शांत हूँ मैं, और कोई कोई भी चीज़ ऐसे इजी इजी वे में नहीं मिल सकती, उसको उसके रूट कॉज में जाना पड़ता है। मैम इसका आंसर, सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर मुझे नहीं पता किस तरह ठीक है, वेट में। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज योर फर्स्ट इंटरव्यू, इट हैपेंस। ठीक है हार्दिक, तो मैं अभी आपका ना इंटरव्यू भी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर द क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चंस है हार्दिक जो मैंने आपको पूछे हैं, ठीक है? तो अभी के लिए हम आज इन्हीं के ऊपर मैं आपको फीडबैक देती हूँ और आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है, ठीक है? ओके सबसे ओके पहले हार्दिक आपको ना आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रूव करना है, ठीक है? ओके इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बताया, बैकग्राउंड बताया, कहाँ से हो आपका, आपने अपना एकेडमिक बता दिया, एंड देन आपने अपना प्रोजेक्ट बता दिया। यहाँ पर आप पे जो आपका गैप था वो आपने कहीं मेंशन नहीं किया, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल, जिसके लिए कि फिर आपके क्रॉस क्वेश्चंस आपको किए भी गए, ठीक है? ओके तो सबसे पहले तो आपको आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन एक सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, ठीक है? आप अगर जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर ना, तो देर इज अ वीडियो बाय शुभ्या मैम कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। अपना इंट्रोडक्शन ना प्रॉपर उस बेसिस पे आप करो, सीक्वेंस, नाम आएगा, कहाँ से हो आप वो आपका आएगा, ठीक है? फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद अगर आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने किया है वो आएगा, कुछ अचीवमेंट आपको लगती है आपने कुछ अचीव किया है वो आएगा फिर आपका उसमें, ठीक है? तो ओके ये इस तरह से अपना सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है? इसको सॉरी पूरे फॉर को नोट इंटरप्ट। डाउन करना, उसको गो थ्रू करना है फिर आपको, ताकि फिर आप उसको बोल पाओ, ठीक है? एक सीक्वेंस वाइज आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। उसके बाद कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, आपको सीधा नहीं बोलना है, ठीक है, कि मुझे प्राइवेट में इंटरेस्ट नहीं है या मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जैसे आपने कहा तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक है? हमें देखो आजकल क्या हो रहा है, कितना प्राइवेटाइजेशन को हम लोग कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कितना कर रही है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कितनी एडिंग हो रही है इन चीजों। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है या गवर्नमेंट सेक्टर ही अच्छा है, मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, ठीक है? आप उसको थोड़ा अपने तरीके से बोल सकते हो, दैट आई हैव अ पैशन टुवर्ड्स इट, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव अ पैशन एंड आई हैव अ ड्रीम दैट आई विल वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years
गेट इन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली. नाउ आई गेट अ चांस, सो आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट येस आई एम अ गुड कैंडिडेट एंड आई विल ज्वाइन दिस ओनली. ओके ठीक है, समझ रहे हैं? आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है इन चीजों के लिए. ठीक है ना? क्योंकि देखो, बोलना आपको सब कुछ सच सच है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है. बट जो आप सच बोलोगे वो सच आपको ऐसे बोलना है कि वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना है. ठीक है? यही चीज आपकी, सिर्फ क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है. देखो, नॉलेज तो आपको है, तभी आप फाइनल इंटरव्यू तक आए हो. मे बी यू हैव क्लियर्ड एग्जाम, मे बी आप एक्सपीरियंस बेस पे जाओगे किसी जॉब में, तो आपके पास नॉलेज तो है, दैट इज फॉर श्योर. ये उन लोगों को पता है. ठीक है? नाउ इट इज द टाइम टू चेक योर पर्सनालिटी. ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, सॉरी, मैंने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैंने प्रोजेक्ट तक बताया, अब उसके बाद मैंने काफी सोचा इसको, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो इंटर्नशिप किया है, ना तो मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, और इसमें क्या मैं ऐड करूं जो गो थ्रू मुझे भी सही लग रहा है कि जब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरा इंट्रोडक्शन ही आता है, तो उसे मेरा फुलफिल ही नहीं हो रहा, मुझे अंदर से फीलिंग्स आती है कि नहीं ये सीरियसली मुझे खुद को आधा लग रहा है, तो आपको तो ऑब्वियसली आधा ही लगेगा, तो इसमें क्या ऐड करूं मुझे नहीं पता. ठीक है हार्दिक, आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा ना, ये मैं आपको ना प्रॉपर बना करके एक व्हाट्सएप करती हूँ. ठीक है? कि क्या क्या आप इसमें एड ऑन कर सकते हो इसके अलावा. ठीक है? एंड देन गो थ्रू इट. अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ और जो मैंने मिस कर दिया है, शायद आपने कुछ किया हुआ है और भी, सो यू कैन एड दैट एज वेल. और आप मुझे कल के इंटरव्यू में वो बोल सकते हैं. देन वी विल सी, अगर उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे. ठीक है? आई विल गिव यू अ प्रॉपर आंसर फॉर योर इंट्रोडक्शन. और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी एस्पेक्ट. आपको उस ऑर्गेनाइजेशन बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है? ओके. उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्रेस अभी अभी बोल सकता हूँ मैं आपको, अगर मैंने जो प्रिपेयर किया उसके बैकएंड में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी गो हेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो ITR है, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, वन टाइप ऑफ रिएक्टर बनाता है जो सन पे होता है, जस्ट लाइक मिनी सन. उसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो भी फ्रांस में है, और उसके लिए तो 2005 से इंडिया से कोलैबोरेशन हुआ है, वो पूरा स्टेक होल्डर है इंडिया, पूरा 10% अभी इधर, और उसके रिगार्डिंग 3 प्रोजेक्ट अभी एक्चुअली किए, आदित्य, SST1 और SST कुछ करके है जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो उसके पे रिएक्टर बना रहा है, जस्ट लाइक आदित्य और SST1 कंप्लीट हो चुका है, वो 2025 में तीसरा जो प्रोजेक्ट है उस पर गो अहेड हो रहा है, और ये टोकोमेक बना रहा है. अब टोकोमेक, आप फॉर HR रिलेटेड आप ऐसा पूछ सकते हो टोकोमेक क्या है? बिकॉज जब HR पैनल जो होगा ना, वहां पर टेक्निकल पर्सन भी होंगे. ओके, वो टोकोमेक, हाँ, तो मुझे टोकोमेक के बारे में, वो मुझे उसी डायरेक्शन में ले जाना है आपको, बिकॉज मुझे पूछना है कि टोकोमेक, हाँ, टोकोमेक इज, इट इज अ रशियन नेम है, विच मींस इज टोरोइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल, और उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल मुझे पता है. ठीक है, देखो, ये आप तब कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है. ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड, वो कुछ भी आ सकता है. लाइक ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या हमारी कोई वेबसाइट है, क्या हमारी कोई वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तो उसका थीम क्या है, उसका कलर क्या है, कौन लोग हैं जो अभी ऑथराइजेशन पावर में है इस डिपार्टमेंट में. ओके, ठीक है? हमारे कौन कौन से करंट प्रोजेक्ट्स आए हैं अभी, हम क्या फ्यूचर में लेके आने का प्लान कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस है आपको इस बारे में? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं. हाँ, हम हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? अगर हम आपको ये जैसे पैन इंडिया में अगर काम करता है तो क्या आपको दूसरे किसी स्टेट में जाने में प्रॉब्लम होगा? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. ठीक है? क्या आपको कुछ वर्क लाइफ का पता है, या आपको कुछ वर्क के बारे में पता है कि हम कैसे काम करते हैं, या क्या प्रोसेस होता है? डू यू हैव एनी रेफरेंस फॉर दैट? क्या आप जिस जॉब रोल के लिए आ रहे हो, जिस जॉब रोल के लिए आप आ रहे हो, क्या आप उस रोल के बारे में अवेयर हो, वहां पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल तो होगा ही होगा. ओके, ये जो जॉब रोल के आपने पूछा, मेरी जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, अब उस पे डीप उसका जॉब रोल क्या है वो मैंने फाइंड करने की
यानी गूगल्स में या यूट्यूब में काफी जगह ट्राई करने की ट्राई किया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि जॉब रोल एक्चुअली अंदर क्या है, वो कहाँ से ठीक है, फाइंड अगर करें। अगर देखो क्या होता है ना कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो बहुत बार वो मेंशन किया होता है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है आपको, वी विल ट्राई कि ठीक है हम और थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि जहां से हमें उसका मिल जाए कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या कुछ रहने वाला है, एंड देन वी विल टेल यू, ठीक है। अभी के लिए आप ना सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करो हार्दिक। अभी आप एक तो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आओ, ठीक है, जो मैं आपको दे दूंगी अभी थोड़ी देर में प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन बना करके कि क्या कुछ रह सकता है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि आपका जो गैप है वो हम ट्राई करेंगे कि आपके इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई कर दे। उसके फिर जो रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे ना वो आप देखना कि क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके क्या आंसर्स रहेंगे, ठीक है। आज के लिए आपको यही है, आई विल ट्राई कि मैं आपको सेकेंड हाफ तक आपके इंट्रोडक्शन का शेयर कर दूँ आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। फिर उसके जो भी क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्रॉस क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है। एंड बाकी इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को पूरा आप तब तक प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक ओके ओके थैंक यू है। मैम, ओके हार्दिक, बाय थैंक बाय। यू, बाय बाय।